आईसीसी ऑफिशियल्स का पीसीबी हुकाम के हमरा सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कामरान खान ने एशिया कप के लिए सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी है, जबकि चेयरमैन आईसीसी ने शहर में नस्ब कैमरों से रूट की मॉनिटरिंग की है, जबकि चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्टले का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार सामने आया है, जबकि वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीमों को दी जाने वाली सिक्योरिटी की वीडियोज़ भी दिखाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन जी, बताइए। मुदस्सिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस विज़िट के हवाले से। मुदस्सिर से भी रابطہ करेंगे, आपको बताएं कि आईसीसी ऑफिशियल्स का पीसीबी हुकाम के हमरा से एफ सिटीज अथॉरिटी का ये दौरा किया गया है, जबकि चेयरमैन आईसीसी ने शहर में नस्ब कैमरों से रूट को मॉनिटर किया है, जबकि चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्टले का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, जबकि वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीमों को दी जाने वाली सिक्योरिटी की वीडियोज़ भी दिखाई गई हैं। आईसीसी ऑफिशियल्स का पीसीबी हुकाम के हमराह से एसीजेज अथॉरिटी का ये दौरा किया गया है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कामरान खान ने एशिया कप के लिए सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी है। तो आपको बताएं कि चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्टले का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है, और चेयरमैन आईसीसी ने शहर में नस्ब कैमरों से रूट को मॉनिटर किया है, और आईसीसी ऑफिशियल्स का पीसीबी हुकाम के हमरा ये दौरा किया गया है।